गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ स्थगित हो चुके, चुनाव की तिथि को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी बीच डीबार हो चुके विधि विभाग के एक छात्र ने चुनाव सलाहकार समिति के 6 सितंबर के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था, जिसकी सुनवाई 12 सितंबर को हुई, जिसमें चुनाव को रोके जाने की मांग की गई थी। बहस के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि चुनाव को स्थगित किया जा चुका है, जिस पर माननीय न्यायालय ने 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। उसके 3 दिन के अंदर जवाबुल जवाब देने का निर्देश दिया और 4 अक्टूबर को पूरे मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है। इसी बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 दिनों की छुट्टी और बढ़ा दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 12 अक्टूबर को भी छात्रों ने धरना और प्रदर्शन किया। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चुनाव की तिथि 4 अक्टूबर को या उससे पहले घोषित करना अब मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है। इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। आपको बताते चले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर इस अगस्त को चुनाव अधिकारी ओपी पांडे ने छात्र संघ चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जिसके तहत 4 और 5 सितंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री, 5 सितंबर को ही छात्रावास व संकाय प्रतिनिधियों का नामांकन, 6 सितंबर को अन्य पदों का नामांकन, 7 और 8 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 8 सितंबर को ही प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन, 9 सितंबर को नामांकन वापसी और 13 सितंबर को मतदान तथा परिणाम घोषित किया जाना था। अभी चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ था कि इसी बीच 6 सितंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक सूची प्रकाशित कर ये फरमान जारी कर दिया गया कि विश्वविद्यालय विधि विभाग के अंतिम वर्ष के लगभग 250 छात्र छात्राओं को छात्र संघ चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने के अधिकार से बाहर रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फरमान के बाद विधि विभाग के छात्रों में खलबली सी मच गई और वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर सौतेलापन का व्यवहार किए जाने के आरोप को लेकर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह का घेराव कर दिया। इस बीच कुलपति और छात्रों के बीच जमकर तू तू मैं भी हुआ। इस बीच छात्र बार बार कुलपति से मत देने का अधिकार दिए जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कुलपति अपनी बातों पर अडिग रहे और विधि के छात्रों को निराश लौटना पड़ा। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि विधि विभाग के छात्रों की मांग गलत है। छात्र संघ चुनाव वर्ष 2018-19 का हो रहा है। मतदान का अधिकार मांग रहे छात्र सत्र 2017-18 के हैं, लिहाजा इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। ये बवाल अभी थमा ही नहीं था कि 11 सितंबर को एक बार फिर विधि विभाग बवाल का केंद्र बन गया। 11 सितंबर को चुनावी मैदान में उतरे एक छात्र गुट द्वारा विश्वविद्यालय विधि विभाग के शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर बीच बचाव में आए दूसरे छात्र गुट से पहले छात्र गुट में भिड़ंत हो गया। दोनों छात्र गुट के लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें कई 4-पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और पुलिस प्रशासन ने दोनों छात्र गुटों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब दोनों छात्र गुट नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ने का काम किया था। इस मामले को लेकर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने दोषी लोगों पर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। वहीं एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने भी उपद्रवी छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की बात की थी। इसी बीच विधि विभाग के शिक्षक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर गोरखपुर शिक्षक संघ भी लामबंद हो गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में 11 सितंबर की दोपहर एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने छात्र संघ चुनाव में योगदान देने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार काफी निंदनीय है, लिहाजा गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक भी शिक्षक छात्र संघ चुनाव में योगदान नहीं देगा। संघ के अध्यक्ष ने कुलपति को ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की थी। शिक्षकों की चेतावनी और छात्र प्रत्याशियों के बीच हुए विवाद के मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिसको लेकर उसी शाम कुलपति आवास में छात्र संघ चुनाव सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी घोषणा चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे ने की थी। प्रोफेसर ओपी पांडे ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया था कि छात्रों द्वारा आपस में भिड़ंत और
विधि विभाग के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार काफी निंदनीय है। चुनाव से पूर्व ही छात्रों को ये सूचित कर दिया गया था कि चुनाव पूरी तरह से लिंग दोह कमेटी के तहत होगी, लेकिन छात्र प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा आपस में मारपीट और शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार लिंग दोह कमेटी की संस्तुतियों के विरुद्ध है, जिसको लेकर छात्र संघ चुनाव स्थगित किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे के इस बयान के बाद छात्र संघ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में हलचल सी मच गई, जिसके बाद अगले दिन 12 सितंबर को छात्र संघ प्रत्याशी चुनाव कराने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। गोरखपुर न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार छात्र संघ चुनाव अब माहौल शांत होने तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही संभव नजर आ रहा है। प्रस्तुत है पूरे चुनावी घटनाक्रम पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव 2018 के संबंध में अवगत कराना है कि इसकी प्रक्रिया जो है 4 सितंबर से शुरू होगी और फाइनली जो है 13 सितंबर को वोट पड़ेंगे और उसी दिन छात्र संघ के जो मतदान हुए रहेंगे उसकी काउंटिंग करके और उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष का पद है, एक उपाध्यक्ष का पद है, एक मंत्री का है और एक पुस्तकालय मंत्री का पद है। बाकी जो है छात्र संघ के विभिन्न कार्यकारिणी के पदाधिकारी, वो कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाते हैं। नामांकन फीस जो है हमारे यहाँ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसने ये तय किया है कि अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और पुस्तकालय मंत्री के लिए 2,000 रुपये तथा कार्यकारिणी के सदस्य के लिए 1,000 रुपये। इसमें जो भी 30 अगस्त 2018 तक जो प्रवेशित छात्र हैं वो प्रवेश लिए हैं अगर, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिसमें परास्नातक के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है, जो स्नातक में हैं उनको 22 साल है और अगर शोध छात्र हैं तो उनको 30 साल है। ऐसा चुनौता बंद करवा देना।
पिछली बार एक आधार बनाया गया, बवाल करवाया गया। पिछली बार एक आधार बना के बवाल करवाया गया, ये दूसरा आधार ऐसा बवाल साक्षात चेहरे पे जवाब दे। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 30/8/2018 तक जिन छात्रों का प्रवेश हो चुका है वे ही छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते हैं। मतदान के अधिकारी सर पांचवे सेमेस्टर में हम लोग का एडमिशन 30 तारीख से पहले हो चुका है और हम लोग अपने हिसाब से रिफ्लेक्स स्टूडेंट है, हम लोग को मिलना चाहिए सर। हाँ ये तो बात सही है, बात ये है उसमें साफ साफ लिखा है जो 30 अगस्त से पहले जिसका एडमिशन होगा चुनाव लड़ेगा, तो एडमिशन तो हो चुका है तो कर्म क्यों नहीं, क्या दिखाने की कोशिश किए हैं आप लोग, क्या दिखाने की अगर आपसे बताएगी सर आपकी बात पूरी हो गई तो इनको जाना है, ये रिटर्न में मांगते तो रिटर्न दे दीजिए, बनाओ और उसके साथ साथ तब तक छात्र संघ स्थगित रहेगा जब तक आप की इच्छा को लिखवा के दें, चुनाव हम लोग कर रहे हैं सर, चुनाव में बताओ नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा सर, आप सब ये चाहिए आप कमेटी में छोड़ो सर, आप एक स्पेशल कार्यकारी कर रहे हैं आप कमेटी के सर, आप सब ये ठीक है ऐसा सर नहीं कर लीजिए सर, हां निकल के आप लिख करके परिषद वाले को छोड़ दे दिया अभी किसी वक्त क्या मम्मी कर उनको बता दें उपाध्यक्ष का क्या नाम फोन आया हम लोग भैया जब वही चाहते सर, पहली चीज तो आपने जो फैसला सर आपने जो फैसला बोला है उस पे जस्टिस का ही वायलेशन भारी पचपुने बिना आपने फैसला दे दिया, हमने फैसला नहीं दिया और आपने कहा सर जो आपने लिंगदो की बात की है, लिंगदो पे मैंने पॉइंट बताया 6.8.9 उस पे दिया हुआ है कि जो भी इससे हियरिंग होगी वो ओपन होगी इन पब्लिक, तो ये ओपन कहा उसे आपने बंद करने में फैसला किया, हमें बस बता दिया कि ये फैसला आया हमारा, तू को लिख के दे रहा हूं ये गलत है होगा, जो हियरिंग हुई होती हम लोग के सामने हुई होती सर, हियरिंग आप जो चीज रिटर्न मिल रहा है उससे बड़ा कुछ कर रहा है आप लोग, जो निश्चित में फोटो रिटर्न नहीं रहा तो अभी अभी क्या होगा, एक एक सर मैं लोगों को जनसूट कर अभी लिखा पड़ी में एक रेजोल्यूशन पहले से हमारा है विश्वविद्यालय का कि जो इस सत्र में 18-19 में प्रवेशित हैं छात्र वही मतदान करेंगे वही चुनाव लड़ेंगे, जो पिटीशन है हमारा जी यही बात आपको बताई जा रही है जी, इससे अगर आप एग्रीव्ड हो तो आप पिटीशन चाहे हाई कोर्ट में चाहे यहाँ का हम ऐसे अथॉरिटी हैं जो अपने अपने डिसीजन को खुद नहीं बदलते जी सर, हम लोग सुन लीजिए लॉ के जो वो ये जितना कानूनी भाषा हम लोग बोल रहे हैं सर आप ही सीखे हैं और आप हमारे अभिभावक तो छोटे पिता तुल्य समान है सर, हम लोग रहे गुरु जी तुम्हारे सुनिए, नहीं नहीं सर सुनिए
2016 में ये हुआ है कि अलाउ किया गया तो सर जब तक फैसला ना आ जाएगा चुनाव होगा लिख दिया होते शासन चुनाव 2018-19 में वे ही छात्र छात्राएं मतदान कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2018-19 के लिए दिनांक 30/8/2018 तक प्रवेश शुल्क जमा करके संबंधित विभाग में आप तो बात रखिए हम लोग क्या आप इंटरप्रिटेशन आप तो न्याय के दूत हैं आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हो आप ही हम लोग के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्या आप क्या कर रहे हैं सर ये चुनाव कैसे कर बात ये उपाध्यक्ष होने के नहीं है 248 भेजे हुए हैं वहाँ से आपको तो ये नहीं करना चाहिए आपको तो सही से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए गुलामी अच्छी नहीं है सर जान लीजिए क्या हमारा विश्वविद्यालय नहीं सुन पाएंगे जायज होगी तो पूरी आपको सब कुछ और कहना है एलएलबी के छात्र हैं जो गत वर्ष सेशन के हैं 17-18 के हैं और थर्ड ईयर के हैं उनका सत्र लेट चल रहा था पहले तो काफ़ी लेट था लेकिन हमारे जो वर्तमान विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी रेगुलराइज कर दिया है 2-3 महीने में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद वो विश्वविद्यालय के छात्र से वो 17-18 की जो डिग्री मिल जाएगी और ये जो चुनाव हो रहा है हमारा 17-18-19 में प्रवेशित छात्रों के लिए हो रहा है ऐसे छात्र जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश किया है और दिनांक 30 अगस्त तक फीस जमा कर दिया है वही छात्र हमारे चुनाव लड़ने के लिए अधिकारी हैं और साथ ही साथ वोट देने के अधिकारी क्या डिमांड कर रहे हैं छात्र सर ये छात्र लड़के डिमांड ये कर रहे हैं कि हम लोग की इस सत्र में भी पढ़ रहे हैं हमारा सेशन लेट है और हमें गत वर्ष में प्रवेश मिल गया था हमें डिग्री इनको कार्य से जून मिल जानी चाहिए थी लेकिन किन्हीं कारणों से काफ़ी समय से डिग्री सेशन लेट चल रहा था तो सेशन डिले होने की वजह से 3-4 महीने इनका लेट डिग्री मिल नहीं हुआ जबकि इस सत्र के छात्र नहीं हैं इस वजह से उनको चुनाव से वंचित किया जा रहा है और इनको डिमांड ये है कि हम 18-19 में हमें चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार दिया गया और इस सत्र में ऑलरेडी 3 वर्ष के जो छात्र हैं ऑलरेडी वो प्रवेशित हैं और 21 सत्र में 2 तरह के छात्र जो है सेम सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते इनको डिग्री भी मिलेगी तो 3 सत्र की मिलेगी और सारे लाभ इनको 3 सत्र के ही मिलेंगे सर आपके द्वारा कोई लाभ अब ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव या तो ना हो या तो फिर इनकी मांगे मानी नहीं चुनाव मांग नहीं मांग से तो होता नहीं है विश्वविद्यालय तो अपनी नियमावली पर नियमावली से चलती है किसी की मांग करने से तो नहीं बच्चे तुम्हारे हैं नहीं छोटे कि चंदा मामा मांगे चंदा मामा ले आकर दे देंगे हम लोग
सर लिखित पत्र कुछ दिया आपने, क्या है वो? हमें दे दिया है कि 17-18 जो प्रवेश छात्र हैं वह प्रवेश इस साल इस सत्र का लाभ नहीं मिल पाएगा उनको, इससे सत्र के जो छात्र थे इसी वजह से लेट है 3-4 महीने अगर, तो वो इस सत्र का लाभ नहीं मिलेगा। इस सत्र के लाभ उन्हीं वगैरह में मिलेगा जो इस सत्र में प्रवेश। अभी सवेरे लगभग 10:45 के लगभग सूचना मिली है विधि संकाय में कुछ छात्रों ने, कुछ लोगों ने वहाँ घुस करके एक शिक्षक, दो शिक्षकों के ऊपर शायद हाथ उठाया है, तो उसको ले करके विधि संकाय के जो बच्चे भी थे, छात्र थे, वो प्रतिरोध किए और प्रतिरोध करते हुए जो है उन लोगों को जो थे वो दौड़ाया, उसी में अफरा तफरी हो गई और फिर दो गुट आपस में बना लिए, आपस में तनाव कर लिए और अभी इस मामले को मैं जांच कर रहा हूं, देख रहा हूं और विधिक कार्रवाई करूंगा। नहीं नहीं, हम भाई क्यों कहेंगे बच्चों पर लाठी के लिए, जो असामान्य जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पुलिस अपने विवेक से जो है काम लेती है। सारे अधिकारी मौजूद थे, हमारे एसपी सिटी साहब मौजूद थे, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, हमारे कैंट थाना मौजूद थे, तो नियम है कि भाई भीड़ को तितर बितर किया जाए ताकि आपस में जो है झगड़ा ना हो, कोई वारदात ना हो और लाठी चार्ज की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल विधिक कार्रवाई करूँगा। अभी अधिष्ठाता विधि संकाय से हमारी बात हुई है और पूरे घटनाक्रम को मैं ले करके संज्ञान में, और वो अभी तहरीर दे रहे हैं हमको, फिर मैं उसको विधिक कार्रवाई के लिए आगे भेजूंगा जो है पुलिस प्रशासन के पास। ऐसी सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय के विधि संकाय में कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया है और एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के साथ कुछ दुर्व्यवहार, मिसबिहेव किया। इसी के आक्रोश में विधि संकाय के लड़के आक्रोशित हो गए
और यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव परसों होने जा रहा है, तो तमाम प्रत्याशी तमाम गुट हैं। विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर एक छात्र संघ के प्रत्याशी की स्टिकर लगी गाड़ी खड़ी थी, कुछ लड़के उसकी तोड़फोड़ कर रहे, शीशा तोड़ रहे थे और दो तीन गुट आमने सामने थे, जद्दोजहद नारेबाजी कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर कर दिया। स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य। हाँ, मतलब आपस में ही कुछ तनाव परिलक्षित हुआ था गुटों में। विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा LLB के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, शिक्षक संघ क्या स्टैंड ले रहा है इस पर? सर, हमें जैसे ही सूचना मिली कि विश्वविद्यालय में कुछ अराजक तत्वों ने विधि विभाग के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया, और विधि विभाग के छात्र यदि तुरंत न निकल के आए होते तो मिसहैंडलिंग कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुर्सियाँ भी चलाई थी और ईंटा भी चलाया। कोई चोटी तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अटैक किया। और जैसे ही विभाग के शिक्षकों ने हमें सूचित किया, और संकायाध्यक्ष ने भी, और सारे विभाग के शिक्षकों ने लिख करके हमको दिया, और संकायाध्यक्ष ने भी लिख करके दिया, इस पर हमने तुरंत अपनी कार्यकारिणी और अपने जितने पदाधिकारियों की तत्काल बैठक हमने बुलाई, और हमने यह निर्णय लिया कि ऐसे अराजक माहौल में जब हमारे शिक्षक मार खा रहे हों और उनको धमकियाँ भी मिल रही हों, ऐसी स्थिति में शिक्षक संघ जो है छात्र संघ चुनाव में कोई सहयोग नहीं करेगा। ये हमारी पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास किया कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग तुरंत कुलपति जी को हम लोगों ने लिख करके अपना पत्रक उनको सौंप दिया है कि आगे जो कुलपति जी निर्णय करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी अभी प्रेस में हमने रिलीज भी किया है, कार्यकारिणी की 3 बजे बैठक हुई, दोबारा कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि उन अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम भविष्य में कक्षाओं का बहिष्कार भी करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। क्योंकि अब मुझे जो लगता है कि विश्वविद्यालय के छात्र को ऐसा नहीं किसी शिक्षक के साथ कर सकते, निश्चित तौर पर ये कहीं कहीं से अराजक तत्व थे, और इसी वजह से उन्होंने मिसहैंडलिंग का प्रयास किया, और जो शासन चुनाव होने की दशा में था उसको डिस्टर्ब करने का उनका कुछ प्रयास मुझे लगता है कि यह है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शिक्षक सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन पर हमले होंगे, तो शिक्षक संघ कैसे चुनाव में अपनी सहभागिता कर सकता है या सहयोग कर सकता है? अपनी जान जोखिम में देकर तो नहीं कोई कर सकता। इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से पास किया कि हम शिक्षक संघ का कोई भी सदस्य छात्र संघ चुनाव में सहयोग नहीं करेगा। जिला प्रशासन से क्या मांगते हैं सर? ये जो अराजक तत्वों ने जो हमारे शिक्षकों के साथ मिसहैंडलिंग का प्रयास किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको चिन्हित करके तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 13 तारीख को संपन्न होना था। आज वातावरण में, विश्वविद्यालय के वातावरण में अचानक कुछ हिंसात्मक छात्रों ने रुख अपना लिया। मैं छात्र नहीं कहूँगा, कुछ बाहरी तत्व आ गए, और जिसके वजह से लिंगदो कमेटी की पूरी धज्जियाँ उड़ रही थी। ऐसे अशांत वातावरण में विश्वविद्यालय के लिए ये अहम था कि इस पर विचार करें कि कैसे चुनाव हो। शिक्षकों के साथ मारपीट किए, जिसके बारे में कैंट थाने में रिपोर्ट दी गई है। इसलिए विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की सलाहकार समिति की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को निर्धारित छात्र संघ चुनाव स्थगित किया जाए, अतएव 13 तारीख को चुनाव नहीं हो रहा है। सर, इसके बाद भी कुछ चुनाव को लेकर? अब ये तो अभी तुरंत का वातावरण अशांत है, तो ऐसे में निर्णय लिया गया है। अब फिर विश्वविद्यालय को आगे निर्णय लेना होगा कि क्या करना है, इसके बारे में विश्वविद्यालय आगे निर्णय लेगा। आज की तत्काल में विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव सलाहकार समिति ने बहुत गहन मंथन के बाद ये किया है। यद्यपि ये दुखद है, लेकिन ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वातावरण अशांत है, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सभी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो 13 तारीख को चुनाव नहीं हो रहा है। सर, विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लिंग दो कमेटी के अनुसार है, और लिंग दो कमेटी के अनुसार सबको शांति से चुनाव कराना होगा। सब अगर अशांत वातावरण होगा तो लिंग दो कमेटी में ये भी रिकमेंडेशन है कि ऐसी परिस्थिति में कोई अनिवार्य नहीं है चुनाव कराना।